थर्ड कार्नेटिक वार द फाइनल फेज ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 1756 व्हेन सेवन इयर्स वार ब्रोक आउट इन यूरोप. मतलब कि इसका जो अंतिम चरण आ गया है कि जब ये युद्ध जो एंग्लो फ्रेंच युद्ध जो स्टार्ट शुरू हुआ था 1756 में, 7 साल के बाद ये खत्म होगा यूरोप में. बोथ द कंट्री वर फाइटिंग एन ऑपोजिट साइड. दोनों कंट्री जो है ऑपोजिट विरोधी साइड से युद्ध कर रही थी. सो देयर कंपनी स्टार्टेड फाइटिंग इन इंडिया. इस तरह से इन कंपनी ने फाइटिंग इन इंडिया भारत में लड़ना शुरू कर दिया. इन दिस वार द फ्रेंच फोर्स लेड बाय कोड डी लाले वर डिसीवली डिफीटेड इन कार्नेटिक. द इंग्लिश रिप्लेस द फ्रेंच इन हैदराबाद. इंग्लिश लोगों ने फ्रेंच को जो हैदराबाद में रिप्लेस कर दिया, बदल दिया. द निजाम गेव द इंग्लिश नॉर्थर्न सरकार. द फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर पोजेशन इन इंडिया. अब जो है फ्रेंच ने अपने सारे अधिकार यानी धन संबंधी सारे अधिकार खो दिए थे, खो चुके थे क्योंकि वो हार गए थे. अ पीस ट्रीटी वाज साइन इन AD 1763. द फ्रेंच फैक्ट्रीज इंडिया वर रिस्टोर्ड टू देम बट कुड नॉट लॉन्गर बी 49. मतलब कि फ्रेंच जो फैक्ट्री है भारत में जो उनको रिस्टोर यानी दोबारा लाया गया, लेकिन वो लंबे समय तक अपनी दुर्ग बंदी यानी किलेबंदी नहीं कर सकी. दे कुड सर्व ओनली एज सेंटर. मतलब कि उन्हें कुछ सेंटर यानी कुछ सेवाएं दी गई. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. दीज वर फैक्ट्री विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच. मतलब कि इसमें ब्रिटिश लोगों की सफलता ही और फेलियर किसकी, फ्रेंच की. फ्रेंच कंपनी वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट सो इट हैड टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर ऑल इट एक्शन व्हाइल ब्रिटिश कंपनी वाज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन. जो फ्रेंच कंपनी थी उसका सारा कंट्रोल उस पर जो था सरकार का था, वो कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकती थी. उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी वो हर निर्णय लेने के लिए फ्री थी. ब्रिटिश हैड मोर ट्रेडिंग सेंटर देन फ्रेंच. ब्रिटिश लोगों ने और ज्यादा अपने व्यापारिक केंद्र बना लिए भारत में फ्रेंच की अपेक्षा. द ब्रिटिश पोस्ड अ नेवी सुपीरियर टू दैट ऑफ फ्रेंच. और ब्रिटिश ने अपनी एक नेवी भी बना ली, उस पर अधिकार कर लिया. ब्रिटिश ट्रेड फ्लोरिस्ट बेटर देन द फ्रेंच. अब ब्रिटिश लोगों का ट्रेड भी भारत में अच्छा था. Thus allowing them more revenue to upkeep of the army. और इसके लिए वो अधिक से अधिक कर लगा रहे थे. The French company was mostly dependent upon its government for grants. अब जो French company थी वो पूरी तरह से सरकार पर, सरकार की grant यानी सरकार जो उन्हें भूदान देती थी उसके ऊपर निर्भर थी. British officer were better trained and motivated as compared to the French officer. जो British officer थे well trained थे, motivate करते थे इसके मुकाबले, फ्रेंच ऑफिसर के मुकाबले. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. वाइल द कार्नेटिक वार वाज गोइंग ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कीन ऑन एनेक्सिंग बंगाल एज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट प्रोविंसी. मतलब जब कार्नेटिक युद्ध हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल के साथ संधि कर ली या बंगाल को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि बंगाल जो उपजाऊ क्षेत्र था और समृद्धि से भरपूर था. Although the company had flourished trade in Bengal, अपना व्यापार कर रही थी बंगाल में कंपनी, the ruler of Bengal kept strict control over the European, क्योंकि बंगाल के शासक का बहुत नियंत्रण था यूरोपियन के ऊपर. एंड resisted the fortification of European trade settlement in 1717. Farukh Siyar, the Mughal emperor, granted them the right to import and export good without having to pay custom duty. फरुख सियार ने, जो मुगल एम्परर का शासक था, उसने आयात और निर्यात पर, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर उनको छूट दे दी और without having to custom duty और उनके ऊपर कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगाया. However, some official of the company were also engaged in private trade. और इसमें क्या हुआ है, जो कुछ private जो इनके ऑफिसर थे अपना प्राइवेट व्यापार करने लगे यानी अपना निजी व्यापार करने लगे. यूजिंग दिस फैसिलिटीज, उन्होंने उनकी जो सुविधाओं का खूब लाभ उठाया. दे स्टॉप्ड पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड टू. और उन्होंने कर देना भी बंद कर दिया जिनके निजी व्यापार थे. दिस रिजल्टेड इन एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल. इसका परिणाम हुआ उन्हें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा कर के क्षेत्र में, यानी किसको, बंगाल को. यानी जब कर नहीं मिलेंगे तो सरकार को क्या होगा, नुकसान होगा. एट दिस टाइम बंगाल वाज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान साजुद
दीन एंड अलीवर्दी खान। उस टाइम ये तीनों राजा राजा करते थे। दे ट्राई टू कीप द ऑफिसर कंपनी इन चेक। उन्हें कंपनी के ऑफिसर को चेक करना शुरू कर दिया। अलीवर्दी खान लिस्टेड टू कंडीशन वन विच कंपनी हैड टू ओबे और लोस इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल। उन्होंने अब शर्तें रख दी। द कंडीशन वन द ऑफिशियल ऑफ कंपनी एनेस्ड इन प्राइवेट ट्रेड शैल पे कस्टम ड्यूटी। जो ऑफिसर जो है अपना निजी व्यापार करते हैं उनको भी सीमा शुल्क देना पड़ेगा। द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंडेड इट फोर्टिफिकेशन। मतलब कि कंपनी जो है अब जो है इन प्रदेशों में किलेबंदी दुर्गबंदी नहीं कर सकती। कंपनी हैड हाउ एवर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बाय दिस टाइम। इस समय में कंपनी जो है बहुत शक्तिशाली बन गई थी। तो एक्सपेंड ट्रेड अपना ट्रेड बढ़ा लिया था। व्यापार सिक्योर मार्केट उन्होंने अपनी मार्केट सुरक्षित कर ली थी। दे नाउ डिसाइडेड टू एनेक्स मोर टेरिटरी इन इंडिया। अब वो क्या करना चाहते थे, बहुत सारे प्रदेशों को अपनी टेरिटरीज अपने प्रदेशों भारत के बहुत सारे प्रदेशों को अपने देशों में मिलाना चाहते थे।